हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी बज रहे हैं रात के 10:15 बज रहा है गाइस। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ आप लोग कैसे हैं। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए कि आप लोग कैसे हैं। तो गाइस, मैं आपको आज कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, आप गौर से सुनिएगा और ध्यान से सुनिएगा। ये इन्फॉर्मेशन आपको शायद कोई नहीं दे पाएगा जो मैं दे पाऊँगा गाइस। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आज मैं क्या बताने वाला हूँ आपके लिए। तो गाइज, मैं आपको बताने वाला हूँ वैक्सीन के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है ना, कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक 5 के बारे में। तो गाइज, मैं आपको बता देता हूँ कि भारत में जो कंपनी है कोविशील्ड वो ऑक्सफोर्ड बनाती है, भारत बायोटेक की है कोवैक्सीन, ठीक है, ऑक्सफोर्ड की है कोविशील्ड, भारत बायोटेक का है कोवैक्सीन, और रूस की कंपनी है जो भारत में अभी वैक्सीन बना रही है वो स्पुतनिक 5, ठीक है। तो ये तीनों डोज भारत में सभी जनता को दिया जा रहा है गाइस, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि मैं ये इन्फॉर्मेशन आपको क्यों दे रहा हूँ, बताना बहुत ज़रूरी है गाइस। जैसे कि अभी क्या हो रहा है कि वैक्सीन की किल्लत तो है, मैं मान रहा हूँ, ठीक है, बट इंडिया में सबको धीरे धीरे वैक्सीन लग जाएगा, ठीक है गाइस। और अभी तक जो है ना टोटल 39 करोड़ के आसपास, यानी कल या परसों तक 40 करोड़ के आसपास, 40 करोड़, माइंड रखता है गाइस, ध्यान से सुनिएगा, 40 करोड़ के आसपास वैक्सीन हो चुका है। मतलब 39 करोड़ के आसपास हो चुका है, मतलब 40 करोड़ एक दो दिन में लग जाएगा, ठीक है। तो गाइज, मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अभी क्या हो रहा है कि पता चला, रिसर्च हो रहा है, ठीक है, जैसे ब्रिटेन में अभी रिसर्च हुआ है, वहाँ भी पता चला कि अगर आप एक डोज लेते हैं तो आप असुरक्षित हैं, इसलिए आपको दोनों डोज लेना चाहिए। कैसे, चलिए मैं बताता हूँ, आई कैन सॉल्व इट, ओके। तो गाइज, मैं बताने वाला हूँ आपको, अनफॉर्चुनेटली अभी क्या हो रहा है कि बंदे लोग एक डोज लेते हैं और दूसरा नहीं लेते हैं, बहुत कई दो डोज ले रहे हैं, वो बेटर है, बट आपको दोनों डोज लेना चाहिए। क्यों, पहला डोज अगर आप लेते हैं वैक्सीन तो आप 35% सुरक्षित हैं, समझ लीजिए, ठीक है, 65% आप सुरक्षित नहीं हैं। इसलिए एक डोज के चक्कर में मत रहिए, दोनों डोज लीजिए, दोनों डोज यानी वैक्सीन जब ले रहे हैं तो आपको, अगर कोविशील्ड ले रहे हैं ना तो दोनों डोज ले लीजिए, ठीक है। अगर आप दोनों डोज लेते हैं तो आप 80 से 90% सुरक्षित हैं, पहला डोज 35% सुरक्षित हैं, जबकि दो डोज ले लिए हैं आपने तो आप 90% तक सुरक्षित हैं। अच्छा, ये वैक्सीन आपने दोनों डोज ले लिया तो कितने दिन तक कारगर होगा, चलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस वैक्सीन के अंदर में रहता है, जैसे आप वैक्सीन दे दिया था ना तो क्या होता है, बॉडी में वो वैक्सीन एंटीबॉडी बनाता है और हमें लड़ने की क्षमता देता है, ठीक है, फाइट होता है, बॉडी में टी सेल पाया जाता है, हमारे शरीर में टी सेल होता है, उस टी सेल को नष्ट करता है और क्या होता है, फाइट करता है अंदर में जाके, ठीक है, इम्यूनिटी पावर अगर जिसका मजबूत है वो तो बेटर फील करेगा ही, ठीक है। बहुत कोई हमसे पूछा कि भाई मेरा फीवर नहीं आया, कोई बात नहीं, फिर भी आपका वैक्सीन जो है काम किया है, किसी का फीवर नहीं आया तो भी काम किया है गाइस, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि अभी क्या हो रहा है, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ब्राज़ील, ये सब में क्या हो रहा है, तीसरा जो लहर है ना गाइस, तीसरा लहर, जैसे दूसरा लहर कैसे आया था जनवरी के महीना में, याद कीजिए, डू यू रिमेम्बर, लास्ट जो जनवरी है फरवरी में अचानक सडनली आया था, ठीक है ना। लिटरली मैं आप लोगों को यही बताने वाला हूँ कि आप लोग सतर्क रहिए, ठीक है ना, थर्ड फेज़ भी ऐसा ही आएगा, जनवरी फरवरी में आ गया ना, इसलिए बच के रहिए। होली मनाते हैं, गले मिलते हैं, मुसलमान लोग का भी आ रहा है बकरीद, ठीक है ना गाइस, उन लोग भी ऐसे ही गला मिलेगा, इसलिए अभी क्या करना है, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कीजिए, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, मैंने तो नहीं पहना है लेकिन मैं जब भी बाहर जाता हूँ तो पहन लेता हूँ, इसलिए आप लोग सतर्क रहिए, ठीक है गाइस। मुझे इन्फॉर्मेशन देना था, मैंने आपको टोटल इन्फॉर्मेशन दे दिया है वैक्सीन के बारे में, इसलिए आपको दोनों डोज लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और मैं मानता हूँ थोड़ी सी वैक्सीन अभी क्या हो रहा है कि बहुत कोई वैक्सीन ले रहा ना तो किसी का 84 दिन नहीं लग रहा है, तो किसी का 120 दिन हो गया तो भी नहीं ले पाया, कारण है कि वैक्सीन की थोड़ी सी किल्लत है, ठीक है ना, आ रहा है धीरे धीरे, इसलिए आपको वैक्सीन ले लेना चाहिए, लेकिन दोनों डोज ही लीजिएगा, एक डोज के चक्कर में नहीं पड़िएगा, मैंने आपको अच्छे से जानकारी दे दी है गाइस। बहुत को एक डोज लेने के बाद सोए हुए हैं, ऐसा गलती नहीं करें, ठीक है ना, वैक्सीन सबको लगेगा, लेकिन आप लोग सब्र रखिए, ठीक है, वैक्सीन सबको लगेगा, अभी समझ रहे हैं 40 करोड़ के आसपास लगा है, तो अभी समझ लीजिए 1 अरब का नहीं लगा, 1 अरब यानी 100 करोड़ बंदों का, ठीक है, वैक्सीन नहीं हुआ है, 100 करोड़,
1 अरब 100 करोड़ इज़ इक्वल टू होता है 1 अरब। इतने बंदों का वैक्सीन अभी नहीं हुआ तो आप घबरा क्यों रहे हैं गाइस? ठीक है, तो तीसरा लहर अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ब्राज़ील में स्टार्ट हो गया है। भारत के लोग अभी भी सतर्क नहीं है, सतर्क हो जाइए, ये तो अभी समझ लीजिए दूसरा जो लहर आया ना उससे खतरनाक है तीसरा लहर। मैंने तो आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया है। चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे करते हैं एंड, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।